नमस्कार दोस्तों आपका बोन डॉक्टर में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे पेल्विक रिंग फ्रैक्चर्स के बारे में तो ये हाई एनर्जी इंजरीज होती है ये टिपिकली ब्लंट ट्रॉमा के कारण होती है डायग्नोसिस एक्सरे से होता है पेल्विक रेडियोग्राफ से और सीटी स्कैन से फर्दर कैरेक्टराइज कर सकते हैं ट्रीटमेंट यूजुअली ऑफ सर्जिकल फिक्सेशन होता है ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पेल्विस इंस्टेबिलिटी फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट और पेशेंट एक्टिविटी डिमांड्स पे एसोसिएटेड इंजरीज देखे तो चेस्ट इंजरी होती है सिक्सटी में लॉन्ग बोन फ्रैक्चर फिफ्टी में स्पाइन फ्रैक्चर ट्वेंटी में नॉन ऑर्थोपेडिक इंजरीज में यूरोजेनाइटल इंजरीज होती है इस इंजरी के बाद सेक्सुअल डिस्फंक्शन 50 परसेंट पेशेंट में अफेक्ट हो सकता है अगर इंजरी सिवियर है तो हेड और एबडोम इंजरी 40 परसेंट केसेस में होता है पीडियाट्रिक पेल्विक रिंग फ्रैक्चर्स देखे तो चिल्ड्रन विद ओपन ट्राई रेडिएट कार्टिलेज में डिफरेंट फ्रैक्चर पैटर्न होते हैं और चिल्ड्रन जिनमें ट्राई रेडिएट कार्टिलेज फ्यूज हो चुका है उनमें डिफरेंट फ्रैक्चर पैटर्न होते हैं अगर ट्राई रेडिएट कार्टिलेज ओपन है तो विंग वीकर होता है देन इलास्टिक पेल्विक पेल्विक लिगामेंट तो बोन फेलियर होता है बिफोर पेल्विक रिंग इसीलिए फ्रैक्चर यूजुअली इन्वॉल्व करता है प्यूबिक पीविक्राम एंड विंग और रेयरली सर्जिकल ट्रीटमेंट नीडेड होती है ऑस्ट्रियोलॉजी देखें तो रिंग स्ट्रक्चर होता है सेक्रम से और टू इनोमिनेट बोन्स का पेल्विस में स्टेबिलिटी डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग सराउंडिंग लिगामेंट स्ट्रक्चर से डिस्प्लेसमेंट अकर होता है ओनली अगर डिसरप्शन रिंग का दो जगह पे हो न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स इंटिमेटली एसोसिएटेड होते हैं पोस्टीरियर पेल्विक लिगामेंट्स के पास हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए फॉर इंजरी ऑफ इंटरनल इलियाक वेसल या लंबोसेक्रल प्लेक्सस अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो लिगामेंट्स देखें तो एंटीरियरली सिंफाइसियल लिगामेंट इंपॉर्टेंट है ये रेजिस्ट करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन पेल्विक फ्लोर में सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट रेजिस्ट करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट रेजिस्ट करते हैं शियर और फ्लेक्शन पोस्टीरियर सेक्रो एलिया कॉम्पलेक्स पोस्टीरियर टेंशन बैंड होता है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट्स होते हैं बॉडी में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन एंटीरियर स्ट्रक्चर फॉर पेल्विक रिंग स्टेबिलिटी

यहाँ सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी देती है और एंटीरियर डिवीजन बिकमिंग ऑप्चुरेटर आर्टरी करोना मोर्टिस से कनेक्शन होता है बिटवीन ऑप्चुरेटर एंड द एक्सटर्नल आइलियक सिस्टम मेन डिस्टेंस होता है 6.2 सेंटीमीटर फ्रॉम प्यूबिक सेम्फाइसिस वीनस प्लेक्सस पोस्टीरियर पेल्विस में अकाउंट करता है 90% ऑफ हेमरेज जो एसोसिएटेड होता है विद पेल्विक रिंग इंजरीज तो अब हम क्लासिफिकेशन देखें तो टाइल क्लासिफिकेशन कॉमन है ए होता है स्टेबल ए फ्रैक्चर होता है नॉट इन्वॉल्विंग द रिंग एवल्जन होता है या इलियाक विंग फ्रैक्चर होता है ए स्टेबल या मिनिमली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है रिंग का ए होता है ट्रांसफर सेक्रल फ्रैक्चर ये डेनिस जोन थ्री सेक्रल फ्रैक्चर होता है बी होता है रोटेशनली अनस्टेबल बट वर्टिकली स्टेबल बी वन ओपन बुक इंजरी एक्सटर्नल रोटेशन इंजरी बी टू लैटरल इंजरी इंटरनल रोटेशन इंजरी बी टू वन होता हैल रैमाय बी टू टू होता है विद एंटीरियर विंग रोटेशन डिस्प्लेसमेंट थ्रू कॉन्ट्रा लैटरल रैमाये बकेट हैंडल इंजरी कहते हैं और बी थ्री होता है बायोलैट्रल सी होता है रोटेशनली एंड वर्टिकली अनस्टेबल सी वन यूनिलैट्रल सी फ्रैक्चर सी वन टू से बायोलैट्रल विद बोथ साइड सी फ्रैक्चर तो आज का एपिसोड यही खत्म होता है आगे हम और थोड़े क्लासिफिकेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन पे गौर करेंगे और इन्वेस्टिगेशन पे आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद